अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लिए किड्स लंच बॉक्स स्पेशल शावरमा सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए हमें 1 किलो बोनलेस चिकन चाहिए। सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे, उसके बाद इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे। अब चिकन को लहसुन के साथ 3-4 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक का शामिल करेंगे, 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चिकन पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस और 1 छोटा चम्मच तिक्का मसाला डालकर सब स्पाइसेस को अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। आधा ग्लास पानी शामिल करके ढक के 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक हमारा चिकन गल रहा है, यहाँ मैंने खीरे और टमाटर स्लाइसेस में काट लिए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और सिरका शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। अब हम मायो सॉस बनाएंगे। 4 टेबलस्पून मेयोनीज में केचप शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे ताकि बोटियां छोटी हो जाए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इसका आता है और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। यहाँ मैंने शावरमा ब्रेड ले ली है। आप इसके शावरमा रोल्स भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बच्चों के लिए स्पेशली बना रही हूँ और नॉर्मली बच्चों के लिए रोल को हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए हम सैंडविच मेकर में बनाएंगे। अब हम ब्रेड को सेंटर से काट लेंगे। जो साइड टोस्ट हुई हुई है उस पे मायो केचप सॉस लगाएंगे। इसके बाद चिकन स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसको दूसरे पीस से कवर करके सैंडविच मेकर में इस डायरेक्शन में रखेंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ब्रश की मदद से। मज़ेदार शावरमा सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।